साल से लेकर 18 साल तक स्कूल में जाते हैं, कितने सरकारी में, कितने प्राइवेट में, और कितने बच्चे ऐसे जो सरकारी प्राइवेट में नहीं जाते, परिवारों में नाम दर्ज है। आज भी लगभग 2.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम ना प्राइवेट स्कूल में है ना सरकारी में है। अब या तो वो बच्चे पढ़ रहे होंगे जो हमारे बिना रजिस्ट्रेशन के जो स्कूल चल रहे हैं बिना मान्यता के, या उसमें पढ़ रहे होंगे, या किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ रहे, घर में बैठे हैं। एक एक बच्चे को हमारे अध्यापक बंधु, स्कूल में जो काम करने वाले लोग, उसको ट्रैक करेंगे कि बच्चा स्कूल में भेजो, क्यों नहीं भेजते हो। 18 साल से 25 साल तक हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा विभाग इनको घर में जाकर देखेगा कि भी क्या कर रहा है ये आदमी, पढ़ाई कर रहा है क्या, स्किलिंग में है क्या, कहीं रोजगार मिल गया है क्या, या बेरोजगार बैठा है। हम ऐसे परिवारों की पहले चिन्हित कर रहे हैं जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपया साल से भी कम है, सिर्फ 8,000 रुपये महीना। इन परिवारों में एक एक व्यक्ति निकाल के लाओ, जिसको ट्रेनिंग कराओ, जिसको कोई काम के लिए लोन चाहिए लोन दो, जिसको छोटी मोटी दुकान करनी है दुकान करे, जिसको मजदूरी करनी है मजदूरी करे, लेकिन 8,000 तो न्यूनतम इससे आगे बढ़ाओ। हम चाहते हैं 1,80 से ऊपर सारे परिवार हो जाए। ये जो बीपीएल की संख्या है, बीपीएल कोई पैमाना फिक्स नहीं है। आज 1,80 हमने किया है, हो सकता है 1,80 वालों को हम ऊपर बढ़ा दें, फिर इसकी और ऊपर मात्रा बढ़ा देंगे। अभी तक 1,20